हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंगलवार और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 9, सुमन चला गया है ऑफिस और आज और एक दिन है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। आज 2 साल हो गया है दादू हम लोगों को छोड़ के गया है। आज का दिन ही दादू का देहांत हो गया था 2 साल पहले, मेरा शादी के बाद ही। अब मेरा शादी 3 महीने 4 महीने बाद दादू का देहांत हुआ था। और सुमन सुबह सुबह नहा के बाज़ार गया था और ये माला और दादू को ना ये मिठाई, ये हम लोग लैंगचा बोलते हैं, ये बहुत पसंद था तो वो सुबह जाके ये सब लाया है और दादू को माला चढ़ा के वो चला गया ऑफिस। तो अभी भी मुझे याद है, मैं जब दादू का डेथ हुआ था तो मैं इधर नहीं थी, मैं मायके में थी। तो मम्मी जी ने बोला कि मम्मी जी जब काम कर रहे थे घर का काम, सुबह 6:30 बज रहा था तो मम्मी जी घर में काम कर रहे थे तो दादू का ना, और सुमन सो रहा था, दादू का मुंह से कैसे आवाज़ निकल रहा है। तो मम्मी जी साथ तभी सुमन को उठाया कि देखो तुम्हारे दादू का क्या हो गया है, मैंने मतलब क्या कैसे करके आवाज़ निकल रहा है। तो सुमन तभी उठ के गया, अपना छाती में प्रेस किया तो दादू का इधर से ना कैसा खून निकल रहा था, मतलब खून गंदा खून कैसे ही था, मतलब मैं आप लोगों को बोल के नहीं समझा सकती। मम्मी ने ऐसा बोला कि मम्मी जी भी समझ नहीं सकता कि वो कैसा मतलब खून था, स्ट्रोक हो गया था ऐसा ही मम्मी जी ने बोला। तो सुमन तभी समझ गया था तो कि दादू और नहीं है। तो वो मुँह में जब पानी दिया तो पानी निकल जा रहा था, अंदर तक नहीं जा रहा था। तो तभी मुझे वो फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैं तभी घर आ गई, 5 मिनट का डिस्टेंस है आप लोगों को पता है मेरा घर, तो मैं तभी घर आ चुकी थी। मुझे अभी तक याद है दादू को मैंने चाउमीन और पास्ता मिक्स करके एक बना दिया था। तब दादू को वो इतना पसंद आया था कि दादू एक कटोरी खाया था, बड़ा कटोरी से एक कटोरी खाया था। और ऐसे तो मैं दादू को कुछ भी नहीं खिला पाई क्योंकि शादी का मेरा 2 या 3 महीने हुआ था। तो मैं इधर ज़्यादा वक्त नहीं थी, मैं अपने मायके में ज़्यादा वक्त थी तो इसीलिए। पर मम्मी ने बहुत किया है, मम्मी और सुमन ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत किया है दादू के लिए। जो भी खाना चाहते थे, जो भी मैंने मतलब दादू को पसंद था तो वो ही सुमन ला के देते थे कि तुम्हें क्या चाहिए मैं सब ला के दूँगी, तुम से दूसरी बोलो। तो दादू भी उतना ही अच्छा था, मतलब सुमन को बहुत प्यार करता था। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने इधर मछली को नमक हल्दी से मैरिनेट करके रख दिया है। अभी मैं बनाऊंगी फिश सॉस से, और ये सरसों को मैंने एक हरी मिर्च दे के पेस्ट बना लिया है। और लगेगा हमें टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और लगेगा ये कटा हुआ अनियन। तो मैंने कढ़ाई में दे दिया है ऑयल। सबसे पहले मैं फिश को फ्राई कर लूंगी। तो अभी फिश फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। और मैं कैसे करके फिश सॉस बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग अलग तरीके से करते होंगे पर मैं ऐसे करके बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ऑयल में दे दूंगी ये अनियन, और अनियन को मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। तो अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मैं अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट दे दूंगी और इसको मैं 5 मिनट तक भूनूंगी, जब तक ना टमाटर का और अदरक लहसुन का कच्चा सीन चला जाए तब तक मैं इसको भूनूंगी। तो इस फोन में ना एक फ़ोन आ गया था तो इसलिए मैंने नमक हल्दी इसमें डाल दिया है, वो मैं नहीं दिखा पाई। और अभी मैं ये तो अच्छी तरह से भून गया है क्योंकि ऑयल छोड़ने लगा है। और इधर मैं जो सरसों का पेस्ट बना के रखी हूँ उसमें मैं थोड़ा सा पानी दूंगी और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और इस मसाला में भी मैं पानी दूंगी थोड़ा सा, गैस का फ्लेम मैं बढ़ाऊंगी
तो ऐसे करके मैं फिश सॉस से बनाती हूँ, आप लोग एक बार ऐसे करके भी ट्राई करके देखिए, ये भी अच्छा होता है। तो मैं इसको ना थोड़ी देर तक उबालूंगी, मतलब 2 से 3 मिनट, 2 मिनट तक इसको मैं उबालूंगी। उसके बाद मैं ये सरसों का पेस्ट इसमें दे दूंगी। तो ये अभी उबल गया है तो इसमें मैं दे दूंगी ये सरसों का पेस्ट और गैस का फ्लेम मैं कम कर दूंगी। और थोड़ा सा पानी दूंगी क्योंकि ये नहीं तो वेज जाएगा। और इसको मैं 1 मिनट तक उबलने दूंगी। गैस का फ्लेम कम करके और उसके बाद इसमें मैं फिश सब दे दूंगी। तो ये तैयार हो जाएगा। तो ये अभी उबल गया है, सब फिश मैं इसमें दे दूंगी और ये सरसों फिश रेडी हो गया है। ये सरसों फिश मैंने मतलब वीडियो में पहली बार बनाए हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोग एक बार ऐसे करके ट्राई करके देखिए। तो अभी मैं लंच लेके बैठी हूँ। लंच में जो मैंने ये सरसों फिश सरसों बनाया था वो बहुत ही टेस्टी हुआ है और मम्मी जी इधर सरसों देख के ये आम चटनी बनाया है और आलू शेद दो और डाटा पोस्त दो राइस के साथ। तो आज का लंच है ये ही। We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो अभी है इवनिंग टाइम और बाहर ना जोरों से बारिश हो रहा था और अभी थम गया है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था इसलिए मैंने चार्जर लेट जलाया था और अभी आ गया है तो मैंने इसको चार्जर में दे दिया। ये बहुत काम का चीज है, आपका 8-10 घंटा तो ये आराम से जलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये बहुत ही काम का है, इसको मैं फुल नाइट तक चार्ज करूँगी और सुबह को मैं इसको खोलूँगी। तो अभी होगा हस्बैंड का डिमांड पूरा। क्या डिमांड पूरा, आप लोगों को पता ही होगा, कल वो बोल रहा था कि मुझे चिली मशरूम खाना है पर मैंने नहीं बनाई थी, पर मैं अभी बनाऊँगी। तो मैं सब इंग्रेडिएंट्स जो भी लगता है वो मैंने तैयारी करके कटिंग करके रख के आई हूँ और मशरूम को ना मैं थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के दे के आई हूँ क्योंकि उसका में उसमें जो केमिकल वगैरह रहता है तो सब निकल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अभी मैं किचन में जाती हूँ और खाना बना लेती हूँ। मैंने इससे पहले भी चिली मशरूम का एक रेसिपी शेयर किया था, मुझे याद है, हाँ शेयर किया था, तो मैं एक बार और देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को बोला था मैं सब तैयारी करके रखी हूँ, पर मेरे पास ना कैप्सिकम थोड़ा सा था ज़्यादा नहीं, और मैंने लिया है 2 ग्रीन चिली और ये लहसुन को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है अच्छे तरीकों से और अनियन को मैंने ऐसे करके कट किया है और मशरूम को मैंने बॉईल करके रख दिया है। अभी मशरूम के लिए जो बैटर होगा मैं वो तैयारी करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच, 1 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा नहीं लगेगा, और मैं दूंगी 1 अंडा और स्वाद अनुसार नमक, बस और कुछ नहीं मैं इसमें दूंगी और इसको मैं घोल बना लूंगी। तो बैटर तैयार है, अब मैं ये सब मशरूम इसमें दे दूंगी और इसको ऑयल फ्राई करूंगी। पैन में मैंने ऑयल ऑलरेडी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो अभी मैं ये सब मिक्स करके इसको फ्राई कर लूंगी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें एक एक करके सब मशरूम दे दूंगी और अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी, लाल लाल करके मैं फ्राई कर लूंगी। आप अंडा नहीं देना चाहते हो तो स्किप कर दीजिए, अंडा ना देने से भी ये होगा, सिर्फ कॉर्नफ्लोर या फिर बेसन से भी बनता है, पर कॉर्नफ्लोर में ऑब्वियसली अच्छा होता है। तो मेरे साथ आज क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, फिर से इलेक्ट्रिसिटी चला गया,
तो ये मेरा फ़ोन की लाइट से हो रहा है, पर आप लोग कुछ माइंड मत कीजिए, जैसा है मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैं वीडियो कैसे करके एडिट करूँ और कल कैसे करके धीरे जाएगा मुझे पता नहीं। तो अभी मैं इसमें दे दूंगी ये लहसुन, लहसुन को थोड़ा देर तक लाल करने के बाद मैं इसमें दे दूंगी ये कैप्सिकम और ग्रीन चिली, और इसके साथ ही मैं दे दूंगी ये अनियन। और इसको मैं हाई फ्लेम में और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। तो इधर आप देख सकते हो अनियन का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें दे दूंगी ये सब मशरूम, और अभी मैं एक एक करके सब जो सॉसेस है वो मैं दे दूंगी। मैं पहले दूंगी ये स्वीट चिली सॉस, इसके बाद मैं दूंगी थोड़ा सा विनेगर, इसके बाद मैं दूंगी ये डार्क सोया सॉस। इतना प्रॉब्लम हो रहा है आज खाना बनाने को, क्या हो रहा है पता नहीं, फिर से इलेक्ट्रिसिटी चला गया, बाहर कोई तूफान बारिश कुछ भी नहीं है फिर भी चला गया, तो मैं फिर से चार्जर लाइट लेके बैठी हूँ, तो इसलिए शायद मैंने पहले से चिली मशरूम का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके मेरी उस वीडियो को देख लीजिए चिली मशरूम, तो वो बहुत ही टेस्टी हुआ था, और एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी। तो कोई बात नहीं, आज अंधेरा है तो क्या हुआ, कल मैं कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलूंगी। तो मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।